गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ और अभी 8 बज रहे हैं और आज मेरे पापा का बर्थडे है, तो मैं सोचा कि मैं अभी उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ और मेरे को सामान लेने जाना है सुबह सुबह, तो मैं जाता हूँ अभी सामान लेके आता हूँ और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाता हूँ उनके लिए। मिलते हैं गाइस आगे। गाइस तो देखिए मैं ऐसा रेडी हो चुका हूँ, अभी बाहर जाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, और पापा ने पहले ही बोल दिया कि ये वापस आते ही नहाना पड़ेगा पहले, तो ठीक है अभी क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं निकलता हूँ और जाता हूँ लेके आता हूँ सामान पहले, वो तो इसेंशियल है ना। ठीक है गाइस मिलता है। तो गाइस जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं ब्रेड ऑमलेट बनाऊँ पापा के लिए क्योंकि मेरे को अच्छे से आता है बनाना, पर क्या हो गया कि मम्मी ने बोल दिया कि आज थर्सडे है तो ऑमलेट नहीं बना सकते, नॉनवेज हम नहीं खाते थर्सडे को, सो मेरा वहीं पे कट गया। तो क्या कर सकते हैं, अभी कुछ तो बनाना पड़ेगा। देखते हो सोचता हूँ क्या बना, तो सैंडविच मेरे को अच्छे से आता नहीं है बट तो भी ट्राई करूँगा, कुछ ना कुछ तो बनाऊँगा। तो मिलते हैं गाइस फिर, देखते क्या होता है। उधर रोड खाली है, जिंदगी में कभी इतना खाली रोड नहीं देखा, इतने दिनों तक नहीं देखा, यानी बहुत ही ज़्यादा शांति। मेरे घर के सामने तक काफ़ी ट्रैफिक रहता है, वो उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, अजीब लग रहा है मेरे को। तो मैंने सोचा गाइस कि मैं अभी आ ही गया हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाई दूँ कि कैसे यानी वो शॉपकीपर सेल कर रहा है हमारे यहाँ पे। ये हमारा रेगुलर शॉपकीपर, हम यहीं से हमेशा लेते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि वो कैसे ये कर रहा है। एक मिनट, प्रॉपर डिस्टेंस पे खड़े होना पड़ता है पहले यहाँ पे से लाइन। हेलो गाइस, तो मैंने अंडे और ब्रेड ले लिया है, मैंने अंडे भी लिए क्योंकि मेरे को कल बनाऊंगा मैं ब्रेड ऑमलेट, तो उसके लिए मैंने अभी ले लिया है। तो बस अभी जाते हैं ब्रेड का कुछ बनाते हैं, मोस्टली तो मम्मी बोली सैंडविच ही बना दूंगी, तो फिर मेरे को बनाना था मेरे हाथ से, तो मैं अभी हेल्प करूंगा मम्मी को, अभी बनाते हैं सैंडविच अच्छा और खिलाते हैं पापा को। बस अभी लेट ना हो जाए, बस मैं रोज़ 11 बजे उठता था, आज मैं 8 बजे उठा हूँ पापा के लिए, बस आज बर्थडे तो बोला थोड़ा सा कुछ करते हैं यार, पापा को भी बोर होगा ना घर पे, बर्थडे में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बोला अच्छा है। तो ठीक है गाइस मिलते हैं फिर, आपको दिखाता हूँ मैं क्या है। तो ओके हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ नहा के, मम्मी ने मेरे को डायरेक्ट एंट्री के बाद डायरेक्ट बाथरूम में ही घुसा दिया, यानी कि कहीं टच ही नहीं करने दिया। सो मैं अभी नहा के तो आ चुका, मेरे बाल पूरे गीले हैं अभी भी। तो बस गाइस मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है, बस थोड़ा आराम से बताता हूँ, कोई सुन ना ले कि पापा को पता नहीं है बात। तो देखिए आपको पता है पापा का बर्थडे है मेरे, तो मैंने क्या किया, एक अरेंजमेंट की है मैंने, हमारे रिलेटिव्स जो है, जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स है हमारे, उनके साथ मैंने उनको बोला है कि हम हाउसी गेम खेलेंगे 4 o'clock को। सो मैं सबको अरेंज करके रखा, पापा को ये कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं अभी क्या होता है सरप्राइज़ और कैसा लगता है पापा को, तो और क्या होता है गेम में, तो आपको पूरा दिखाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा, तो देखते अभी आगे क्या होता है। तो पर ये बताना मत किसी को, आप कैसे बताओगे, आप तो ये वीडियो नेक्स्ट डे देखोगे ना। तो चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, मिलते हैं देखते आगे क्या होता है, बाय। तो अभी अपने आलू रेडी हो चुके हैं उबल के, और अब इनको मैं क्या बोलते हैं इसको मैं पता नहीं, निकालूंगा इसका कवर। फिलहाल तो ये समझ लीजिए, और आलू डालने वाला हो, और फिर क्या मैं कर रहा हूँ सैंडविच वैसे, तो आलू डालूंगा उसमें, प्याज टमाटर और फिर कॉर्न भी अपने पास, तो कॉर्न भी डालेंगे। सो अभी करता हूँ, चलो शुरू करते हैं। तो अपने आलू रेडी हो चुके हैं गाइस, तो अभी आगे इनको आई थिंक स्मैश करना होता है, तो इसको ऐसे स्मैश करते हैं। बहुत गर्म है यार ये अभी उबाल रहे हैं ना, तो ये तो मैं अभी बनाना सीख रहा हूँ कैसे बनाते हैं, तो ये आलू वाला सैंडविच बनाना नहीं आता अच्छे से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या क्या बनाना आता है, अपने घर पे आप क्या क्या बनाते हो, क्वारंटीन में आपने क्या क्या बनाया अभी तक के। और आज तो हम डैलगन कॉफ़ी भी बनाने वाले हैं पापा के लिए, जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि आज कॉफ़ी बनाएंगे यार, वो एक बार ट्राई करनी है, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा चल रही है कॉफ़ी की, तो बोला कि चलो घर पे ही बना लेते हैं। तो आई थिंक ये पूरा मैश मैंने कर लिया है अभी अच्छे से, अभी देखते हैं इसमें भी प्याज वगैरह ये करता हूँ, चीरता हूँ और फिर
प्याज टमाटो और कॉर्न ये सब डालेंगे। तो मैंने कॉर्न निकाल के रख दिए, फिर ये पूरे ठंडे हैं तो इसको थोड़ा अभी मैं पानी डाल के ये करता हूँ। नहीं तो हमारा कुकर यहाँ पे जल रहा है, इसमें छोले हैं, बढ़िया छोले भटूरे बनने वाले हैं आज। और प्याज इज रेडी नाउ, और मेरे आँखों से बहुत पानी आ रहा है एज़ यूजुअल। और हमारे पीस भी आई थिंक रेडी हो चुके हैं अभी, तो मिक्स करते हैं अभी। और मेरे को हाँ टोमेटो भी चीरना था, टीम टोमेटो भी कर, टोमेटो निकालना है। सो अभी अपने सारे चीज़ें रेडी हो चुकी है, तो अभी मिक्स करते हैं इसमें और देखते हैं। तो मैं थोड़ा मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर डालूंगा एज पर वी नीडेड, और थोड़ा और नमक डालूंगा। तो हो गया मैं नमक नमक खुल जा। अरे भाई एक हाथ से करना बहुत मुश्किल है, तो फिर नमक डालेंगे। होगा और अब मैं इसको मिक्स करूंगा, सबसे अच्छे से मिक्स करना होगा इसको। सॉरी गाइस, थोड़ा कैमरा हिल, वो डिश हिल रही है इसलिए आपको कैमरा में दिख नहीं रहा होगा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आई गेस इट इज रेडी नाउ। और तो मैंने ब्रेड ला ली, अपनी ब्रेड तैयार है। मैं बटर निकालता हूँ, बटर भी चाहिए हमारे फ्रीजर में, ब्रेड का बटर ढूंढना पड़ेगा। ओ शिट, तेरा बटर हमारा निकाल लेते। तो मैं इसको टोस्टर में डालूंगा। ये टोस्टर मैंने घर के लिए खरीदा था, मैंने सबको गिफ्ट किया था दिवाली के टाइम पे। तो इसको सेट करते हैं हम 4 पे, सेट करते हैं 4 ठीक रहेगा। तो और शुरू कर देते हैं। सो अभी मैं अपना एक ब्रेड तो तैयार हो रहा है, मैं दूसरा ब्रेड भी डालता हूँ। तो हमारी भी डिश रेडी हो चुकी है, तो देखते हैं बर्थडे बॉय को पसंद आती है क्या। चलो कहाँ गए? अगर तू लोग को जाओ ना बाबा ने, अच्छा अभी बाल बनाना शुरू है पापा का। हैंडसम लुक, लवकर फास्ट। तो ये है मैंने बनाया है। ओ हो, खा के देखो।
सैंडविच ज्यादा वाह गुड। वेलकम बैक गाइस। तो मैंने सैंडविच बना के दे दिया है पापा को, और पापा को बहुत पसंद आया, उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो बस अच्छा लगता है यार ऐसा कुछ होता है, कुछ बना के दिया पापा को मैंने क्वारंटाइन में, और क्या कर सकता है। और आपको तो सीक्रेट पता ही है क्या है, तो हम 4 बजे गेम खेलने वाले हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। अभी केक भी बन रही है, दादी केक बना रही है, और छोले है, छोले और पराठा है। पूरी नहीं खानी थी आज पापा को, तो पापा ने पराठा कर दो, तेल नहीं पसंद पापा का था। तो ठीक है यार, देखते हैं अभी, मस्ती करते हैं। मिलता हूँ आपको आगे। Two hours later. Hey to you, happy birthday to you, happy birthday dear Shailesh, happy birthday to you. Hey, soda. Bless you. Bless you. Are you all? और ऑल हाथ लावा, हाथ ते बस कि सिद्धा खाऊंगा, हाथ लावा, हाथ सिद्धा का कैसा खाते हैं, हाथ लावा ये पिलो सिद्धा। अच्छा बात होता है, अच्छा संदीप आज होता है, वाह यस 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 ग्रेट, थैंक यू ब्रो। हेलो गाइस, तो अभी कॉन्फ्रेंस हो चुका है और सब लोग चले गए। आपने देखा ही क्या है, एंजॉय किया हमने, हाउस ही खेला, और ये सब पापा के लिए सरप्राइज रखा था मैंने। सो बहुत मज़ा आई, और अभी हम डालगोना कॉफ़ी बना रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कॉफ़ी वो कैसे बनाते हैं, काफ़ी मेहनत का काम है वो बनाना। तो अभी हम वो बनाएंगे, और केक कटिंग तो ऐसे हो बहुत ही बहुत मुश्किल का काम है गाइस, करना पड़ेगा। और बहुत टेस्टी लग रहा है देख के यार, पूरा पेस्ट बन रहा है इसका, देखते हैं। इतना टाइम तो भाई मेरे को कोई चीज़ बनाने में नहीं लगी थी, इसको लग रही है यार कितना यार। अब और नहीं होगा गाइस, थक गया हूँ मैं, जगह चेंज कर 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 थक गया हूँ, पर ये बन नहीं रहा। पर अभी पेस्ट काफ़ी अच्छी पेस्ट बन गई है, सब देख रहे हैं पेस्ट, अभी और थोड़ा बचा है, देखते हैं। सॉरी फॉर ए बैक लाइट, पर होप आप मैं आपको दिख रहा हूँ। मैं लग रहा है शायद से हो गई करके, पेस्ट लग रहा ही है, थोड़ा और कर लेते हैं और फिर हमारी ये फाइनली गाइस हमारी डेलगन कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये क्रीम की लेयर आपको इसलिए पतली लग रही है क्योंकि हमने वाइडर ग्लास लिया ना, मैंने ग्लास काफ़ी मोटा है, अगर हम ग्लास पतला लेंगे तो क्रीम की लेयर ऐसी बड़ी होगी।
सो उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अब देखते हैं टेस्ट करके ये कैसे लगती है, तो आपको टेस्ट करके बताता हूँ। दिख तो वैसे बहुत टेस्टी रही है। तो गाइस कॉफ़ी तो रेडी है और टेस्टी है वो, बहुत मैं पी के देखा हूँ, अच्छी लगी मेरे को। तो आप भी ट्राई कीजिए, घर पे बनाई है, बढ़िया है और वो आपको पसंद आएगी, पी के देखिए। मेरे को तो ठीक लगी, बार बार तो नहीं बनाऊंगा यार, क्योंकि पता है आपको कितना टाइम लगता है एक कॉफ़ी का बनाने के लिए इतना टाइम लगा, तो सोचिए आप फिर रोज़ आपको इतना टाइम होगा तो आप बनाइए। सो टेस्टी है, गुड। थोड़ा शक्कर कम है पर मेरे को लगेगी और शक्कर, तो मैं डालूंगा अभी। तो मिलते हैं गाइस अभी, आगे देखिए। हेलो गाइस, तो अभी हम हमारे बर्थडे बॉय के साथ बैठे हैं, तो हेलो कर दीजिए। हेलो। तो आप पापा, आपको कैसे लगा आज का पूरा दिन? बहुत बढ़िया गया, ये पूरा लेजीनेस आज बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। सवेरे से जो शुरू हुआ, ब्रेकफास्ट, ये बनाया था अपना सैंडविच, बहुत बढ़िया था, उसमें मजा आ गया। फिर उसके बाद खाने में आमरस, वो भी एंजॉय किया, पहला आमरस था इस साल का। और छोले बनाए थे, छोले खाए। फिर उसके बाद सब फॉर अ सरप्राइज, मुझे एकदम से वीडियो कॉल पे हाउसिंग गेम का अरेंजमेंट था, जय ने किया हुआ तो वो सब भी बहुत मस्त टाइम पास हुआ, सबने एंजॉय किया हमने। बाद में थोड़ा सा चाय चैटिंग, फिर थोड़े फोन कॉल्स जो आ रहे थे विशेष के, वो सब एंजॉय किए। और फिर डालगोना कॉफी, फिर बाद में कॉफी बनाई जय ने, वो कॉफी एंजॉय की, थोड़ी सी मीठी कम हो गई थी लेकिन एंजॉय किया, इट वाज समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट टाइम किया। यस यस यस। बाद में फिर कुछ नहीं, फिर शाम का थोड़ा सा प्रेयर टाइम रहता है तो वो थोड़ा सा हमने प्रेयर टाइम किए, फिर थोड़ा फिर से चैटिंग, फोन पे कुछ ना कुछ मैसेजेस आए थे, विशेष थे, ऑफिस के थे, उसको सब रिस्पॉन्ड किया, फ्रेंड्स के आए हुए फोन कॉल्स उनको रिस्पॉन्ड किए। बट ओवरऑल द डे वॉज वेरी फाइन, मतलब टोटल मुझे इंथुजियास्टिक था, एनर्जेटिक लग रहा था, ऐसा पूरा समय ऐसा कहीं भी ये नहीं हुआ, मतलब लेसी या बोरिंग ऐसा कुछ भी आज लगा नहीं इतना, मतलब लॉकडाउन टाइम में भी इट वॉज टोटली अ बिजी टाइम और मुझे ऐसा समय ही नहीं मिला कि मैं कुछ थोड़ा सा अपने लिए कुछ रखूँ या कहीं बैठूँ दो मिनट, ऐसा हुआ ही नहीं। समथिंग गोइंग ऑन ऑल द टाइम, सो इट वॉज वेरी नाइस। तो देखिए हमारे बर्थडे बॉय पूरे खुश है तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। तो पापा आखिरी में क्या बोलना है? कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स दो और बाय। ओके बाय, मिलते हैं। ओके थैंक यू।